हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है रेंसीडीटी। स्टूडेंट्स क्या सीखने जा रहे हैं? रेंसीडीटी। आप अगर किचन से रिलेटेड थोड़ी भी जानकारी रखते हो तो आपने देखा, होटल्स में अगर आप लोग जाते हो तो अक्सर क्या पाया जाता है कि वे लोग अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या खर्चा कम करने के लिए जो जो भी सब्जी हो या जो भी फूड उन्होंने कुक किया हो या जो भी फूड स्टफ उन्होंने कुक किया हो वो उस ऑयल में करते हैं जो ऑलरेडी बहुत बार यूज हो चुका है। जर एखादा पदार्थ, खाद्य पदार्थ जर तळलेला पदार्थ असेल आणि ते ज्या ऑइल मध्ये तळलं गेलं असेल, जर ते ऑइल अगर वो ऑइल बहुत बारी यूज किया गया हो या अगर ओपन में रखा गया हो तो आप पाओगे कि उसमें बनाया हुआ फूड स्टफ एक अलग प्रकार का स्मेल आपको देगा, यानी उससे आपको एक अजीब प्रकार का खराब स्मेल आपको उस फूड स्टफ से आएगा जो स्पॉइल्ड ऑयल में बनाया गया है। खराब ऑयल या खराब फैट या खराब घी में जो चीज बनाई गई है वो एक अलग प्रकार का स्मेल ऑर्डर आपको देगा। आपने पाया होगा कि बहुत सारे बार आप चीजें खाने के बाद कहते हो कि ये जले हुए ऑयल में या यूज्ड हुए ऑयल में तो नहीं बनाया गया था क्योंकि उसका स्मेल अच्छा नहीं आ रहा है, और उसी को कहा जाता है स्टूडेंट्स, उस खराब स्मेल को, उस खराब ऑर्डर को कहा जाता है रेंसीडिटी, एंड उस खराब ऑयल या स्पॉइल्ड ऑयल को कहा जाता है रेंसिड ऑयल। ठीक, द ऑयल विच हैव गॉट स्पॉइल्ड। ठीक, तो वेन वी यूज ओल्ड और लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल, वेन वी यूज ओल्ड बहुत पुराना तेल, बहुत पुराना घी, वेन वी यूज ओल्ड और लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग द फूड स्टफ, इट इज सेड टू हैव अ फोल ओडर। फोल ओडर म्हणजे एक सडलेला वास। जर तुम्ही एखादं खाद्य पदार्थ बनवण्यासाठी जो ऑइल किंवा जो घी तुम्ही वापरणार आहात, जर तो खूप वेळेपासून, आधीपासून खूप महिन्यांपासून जर तो ऑइल तसाच आहे आणि मग जर तुम्ही त्याला वापरत आहात, तर त्याच्यामध्ये बनवलेल्या खाद्य पदार्थाचा पण एक वेगळ्या प्रकारचा स्मेल यायला लागतो, वास यायला लागतो, आणि त्या खराब वासाला, त्या तेलाचा किंवा त्या खाद्य पदार्थाचा खराब वासाला दॅट फोल ओडर इज कॉल्ड ऍज रॅन्सिडिटी वेन वी यूज ओल्ड और लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑइल फॉर मेकिंग द फूड स्टफ, इट इज सेड टू हॅव अ फोल ओडर। दॅट ऑइल और दॅट फूड स्टफ इज सेड टू हॅव अ फोल ओडर, खराब स्मेल आता है, एंड दॅट इज कॉल्ड ऍज रेंसिडिटी, दैट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। ठीक, सेकेंड पॉइंट, इफ फूड इज कुक्ड इन सच ऑइल, सच ऑइल यानी कौन सा? रेंसिड ऑइल। इफ फूड इज कुक्ड इन सच ऑइल, इट्स ओडर, द ओडर ऑफ दैट फूड एंड द टेस्ट ऑफ दैट फूड ऑल्सो चेंजेस। बऱ्याच वेळेला हॉटेल मध्ये भजी खातात लोक, ठीक, आणि त्या भजीचा कधी कधी वास यायला लागतो, कारण काय मित्रांनो, त्या भजीला बनवण्यासाठी जे ऑइल वापरलं गेलेलं ते खूप वेळा वापरलेलं ऑइल वापरतात, त्याच तेलमध्ये पुन्हा पुन्हा तळतात, जळलेल्या तेलमध्ये पुन्हा पुन्हा तळतात, आणि म्हणून जो खाद्य पदार्थ म्हणजे भजी बनवलं गेलं त्यातनं एक वेगळ्या प्रकारचं फोल ओडर, खराब स्मेल यायला लागतं, आणि त्यालाच म्हटलं जातं रॅन्सिड फूड, आणि त्या फेनॉमेनाला, त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? रॅन्सिडिटी। आय होप तुम्हाला हे समजत असेल। एखाद्या तेलला खूप वेळा जर ओपन मध्ये ठेवलं गेलंय किंवा जर ते तेल किंवा ते घी खूप जुनं असेल त्यापासून जे खराब स्मेल आपल्याला येतं काही महिन्यानंतर, काही काळानंतर, त्या खराब स्मेलला, फोल ओडरलाच काय म्हटलं जातं? रॅन्सिडिटी। आणि रॅन्सिडिटी ही टर्म कोणाशी संबंधित असते? ऑइल्स और फॅट्स और घी। ठीक, पुढे जाऊया, थर्ड पॉइंट, वेन ऑइल और घी इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम,
व्हेन ऑइल और घी इज लेफ्ट असाइड, त्याला जर आपण असं ठेवलेलं असलं कुठेतरी आणि खूप काळ जर त्याला असंच ठेवलेलं असलं, त्याच्याकडे जर तुमचं लक्षच गेलं नाही आणि ते जर तसंच पडलेलं असेल, व्हेन ऑइल और घी इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट अंडर गोज जर आपण एखादा जो तेल असेल आपल्या घरात साठवलेला किंवा घी असेल किंवा फॅट्स असतील, जर आपण त्याला खूप काळ जर तो साईडलाच असला पडलेला ओपन मध्ये असला आणि जर आपलं त्या तेलाकडे किंवा तुपाकडे जर खूप काळ लक्ष गेलं नाही मित्रांनो, तर तो तेल किंवा तो घी इट अंडर गोज एअर ऑक्सिडेशन, त्या तेलाचं किंवा त्या घीचं काय होतं, ते एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात आणि एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्याच्या नंतर पर्टिक्युलरली त्यांचा एनिमी कोण असतो, एअर मध्ये खूप गॅसेस आहेत, हायड्रोजन आहे, नायट्रोजन आहे, कार्बन डायऑक्साइड आहे, ऑक्सिजन आहे, मगर स्टूडेंट्स उस एअर में का कौन सा एनिमी ऑइल और घी के कॉन्टेक्ट में आता है, वो है ऑक्सीजन, ठीक। एंड देयरफॉर द ऑइल और घी विच इज लेफ्ट ओवर असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, एंड पर्टिक्युलरली एयर में वो किसके कॉन्टेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है एंड बिकम्स रेंसिड, ठीक। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, व्हेन ऑइल और घी विच इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, अगर आपका जो तेल है या आपका जो घी है बहुत समय तक आपका उसकी ओर ध्यान गया नहीं, तो वो तेल या वो घी किसके कॉन्टेक्ट में आएगा, एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा एंड दैट विल अंडरगो एयर ऑक्सीडेशन। एयर ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एयर में प्रेजेंट रहने वाले ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा, आपका तेल या आपका घी एयर में प्रेजेंट रहने वाले ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा, यानी उसका क्या होगा, एयर ऑक्सीडेशन होगा एंड दैट ऑयल और घी विल बिकम रैंसिड। तो स्टूडेंट्स ऑइल या घी को हम लोग हमेशा त्याला झाकून ठेवलं जातं, फ्रीज मध्ये ठेवलं जातं, का, कारण त्यांनी एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येऊ नये, कारण एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जर तो ऑइल किंवा घी आला तर तो एअर मधला ऑक्सिजन जो त्याचा एनिमी आहे तो त्या ऑइलला किंवा घीला सडवण्यात मदत करतो। आणि जर आपल्याला हवं असेल की आपलं तेल किंवा घी खूप काळ टिकावं, ते आयुष्यभर तर टिकू शकत नाही, पण आपल्याला जर वाटत असेल की काही जास्त काळ त्यांनी टिकावं, तर त्याला टिकवण्यासाठी आपल्याला काही मेजर्स घ्यायला लागतात। थोडक्यात आपल्याला त्या तेलाला किंवा त्या घीला एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येऊ द्यायचं नाहीये, कारण जर एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला तर एअर मधला ऑक्सिजन त्याला खराब केल्याशिवाय राहणार नाही किंवा त्याला रॅन्सिड बनवल्याशिवाय राहणार नाही मित्रांनो, ठीक। आणि म्हणून व्हेन ऑइल और घी इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट अंडरगोज एअर ऑक्सिडेशन अँड देन बिकम्स रॅन्सिड, ठीक। रॅन्सिडिटी इन द फूड स्टफ कुक्ड इन ऑइल और घी कॅन बी प्रिव्हेंटेड बाय युझिंग अँटी ऑक्सिडंट्स। स्टूडेंट्स अगर आपका जो खाना है जो आपने किसी तेल में बनाया हो या घी में बनाया हो, खाना अक्सर तेल या घी की मदद से ही बनाया जाता है, और उस खाने को आपको बहुत देर तक टेस्टी रखना हो, सेफ रखना हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको अगर उस खाने को सड़ने नहीं देना है, उसको उस खाने को रैंसिड नहीं बनने देना है, तो आपको क्या करना होगा, इसको आपको उस खाने का रेंसिडिटी यानी क्या, फूड स्टफ कंटेनिंग ऑयल और घी और फैट गेट्स स्पॉइल्ड। व्हाई इट गेट्स स्पॉइल्ड, बिकॉज इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एयर एंड गेट्स ऑक्सीडाइज, इसीलिए वो रेंसिड हो जाता है खराब। तो आपको अगर रेंसिडिटी को रोकना है, रेंसिडिटी इन द फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी कैन बी प्रिवेंटेड, अगर उसको रोकना है तो आपको क्या यूज करना होगा स्टूडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करने होंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह क्या है मैं आपको सारे पॉइंट्स कहूंगा,
पहले आपको समझ में आया होगा बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले सारे पॉइंट्स मैं तुरंत अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स का। थोड़ा सा सारी चीजें रिकॉल करता हूं। स्टूडेंट्स, रैंसिडिटी का मतलब क्या है? ऑयल गेटिंग स्पॉइल्ड, ऑयल का या फैट का या घी का स्पॉइल होना, यानी उसका मतलब क्या होता है रैंसिडिटी। स्टूडेंट्स, सवाल यह है कि ऑयल या फैट्स या घी क्यों खराब होते हैं, क्यों खराब होते हैं, क्यों स्पॉइल होते हैं और क्यों वो रैंसिड हो जाते हैं। ठीक, तो वो इसलिए क्योंकि अगर वो ऑयल या वो फैट या वो घी या वो खाना जो ऑयल या घी से बनाया गया है, अगर वो एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाए कुछ समय तक, तो वो एयर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद एयर में प्रेजेंट रहने वाला ऑक्सीजन उस खाने को या उस फूड स्टफ को या ऑयल या घी या फैट को खराब करने का काम करता है और उसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ दैट फूड स्टफ। ऑयल्स रेंसिड कैसे होते हैं? तो ऑयल या घी आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर गेट ऑक्सीडाइज एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे बिकम रैंसिड। ठीक, तो अगर आपको ऑयल या घी का रैंसिडिटी रोकना है, ठीक, तो आपको क्या करना होगा? उस ऑयल या घी का ऑक्सीडेशन होने के बाद वो सड़ने लगता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद वो रैंसिड बनता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है इलाज? आपको ऑयल या फैट का ऑक्सीडेशन रोकना है स्टूडेंट्स। ठीक, और ऑयल या फैट का ऑक्सीडेशन रोकोगे तो उसका रैंसिडिटी उसका होगा नहीं, वो ऑयल या घी रैंसिड बनेगा नहीं, क्योंकि आपने उसका ऑक्सीडेशन रोक दिया। और ऑक्सीडेशन रोकने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी यानी अपोज करने वाले, ऑक्सीडेशन को अपोज करने वाले बंदों को, सब्सटेंसेस को कहा जाता है। दो सब्सटेंसेस विच अपोज ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स। तो सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट्स घी आर सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन काफी हद तक नहीं होने देते। सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट्स घी आर कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस स्टूडेंट्स जिनको अगर आप खाने में डालते हो तो वो आपके ऑयल का या वो आपके घी का ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते उनको कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक, डे टू डे लाइफ में कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं? अलमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल एक्सेट्रा। आपने पढ़ा है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। स्टूडेंट्स, वो इसलिए क्योंकि ये ऐसे फ्रूट्स या ऐसे सब्सटेंसेस है जिनको खाने से आपके शरीर में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बिकॉज दे आर एंटी ऑक्सीडेंट्स, दे प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड विच इज गुड फॉर अस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आइडिया आया हो कि एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा, अब किसी ने मुझसे पूछा कि सर फूड का जो ऑक्सीडेशन है उसको कैसे प्रिवेंट करें? बेटा, आपने देखा होगा कि अक्सर खाना टिंड होता है। टिंड मतलब क्या? TINED, टिंड मतलब क्या? टिन में अक्सर खाना दिया जाता है, किसी प्रकार के टिन में खाना काय में पैक किया जाता है। टिन आपने देखे होंगे, कोको कोला वगैरह के टिन आपने देखे होंगे। और वो टिन में क्यों डाला जाता है बेटा? क्योंकि टिन में डालने के बाद कुछ दिनों तक वो एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा और उसका ऑक्सीडेशन प्रोलोंग होगा। यानी सी स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन को आप परमानेंटली नहीं रोक सकते हो। ठीक, बस आप क्या कर सकते हो, उसका सेल्फ लाइफ, वो जो ऑयल है या वो जो फूड स्टफ है उसका आप सेल्फ लाइफ प्रोलोंग कर सकते हो। म्हणजे तो जो फूड स्टफ ओपन मध्ये जर ठेवला असता तर एक दोन दिवसात वाया गेला असता, पण जर तुम्हाला तो फूड स्टफ काही जास्त काळ टिकवायचा असेल तर तुम्ही काय करता, त्या फूड स्टफला
जास्त काळ टिकवण्यासाठी अँटीऑक्सिडंट्सचा किंवा अनेक प्रकारचे मेजर्स तुम्ही वापरता, जेणेकरून त्याचा ऑक्सिडेशन काही जास्त काळ पुढे जाईल आणि ऑक्सिडेशन लवकर होणार नाही आणि तो फूड स्टफ बऱ्यापैकी खूप काळ टिकून राहील। ठीक, आय होप आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो फूड स्टफ को आप टिन में पैक करने से जिंदगी भर वो खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, एक न एक दिन वो खराब होगा। फिर आप कहोगे सर टिन में पैक करने का क्या फायदा हुआ? बेटा वो जो फूड स्टफ आपका दो तीन दिन में खराब होने वाला था, वो कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक ज्यादा दिन टिकने लगा, और उसी के कारण हमने उसको क्या किया, एक प्रिवेंटिव मेजर क्या लिया, उसको टिन में पैक किया बेटा। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट्स देखते हो तो आपको पता चलेगा कि आप जो कुरकुरे या चिप्स खाते हो, अगर वो कंपनी ने 4 महीना पहले बनाए हैं, लेकिन आप उसको 4 महीने बाद पैकेट को खोलते हो, तो 4 महीना बाद भी वो आपको क्रिस्पी लगने लगता है, कुरमुरी छान असं लगतं। कारण काय, तो जो चिप्स है किंवा तो जो कुरकुऱ्याचा पैकेट है, त्याच्यामध्ये एक प्रकारचा गैस भरलेला असतो स्टूडेंट्स। और वो कौन सा गैस होता है जो चिप्स के पैकेट में वगैरह डाला होता है, भरा होता है? वो होता है नाइट्रोजन गैस। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? नाइट्रोजन गैस पैकेट के अंदर आपका जो भी चिप्स है या कुरकुरा है उसके कांटेक्ट में होता है, मगर स्टूडेंट्स वो आपके चिप्स या कुरकुरे को बिल्कुल भी खराब या रैंसिड नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन बाहर के एयर को आपके चिप्स के कांटेक्ट में आने देता नहीं। उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन एयर को चिप्स के कांटेक्ट में नहीं आने देता। एयर और चिप्स के बीच की दरार या कुरकुरे के बीच की दरार कौन है? नाइट्रोजन गैस पैकेट के अंदर होती है ना हवा, और वो नाइट्रोजन गैस एयर को चिप्स के कांटेक्ट में नहीं आने देता, जिससे क्या होता है, एयर में का ऑक्सीजन चिप्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और क्योंकि वो जल्दी उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तो चिप्स का ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होगा, यानी वो रैंसिड नहीं होंगे। और इसीलिए प्रिवेंटिव मेजर के रूप में पैकेट में क्या फिल किया जाता है, नाइट्रोजन गैस, ताकि कुछ समय तक, कुछ ज्यादा समय तक आप चिप्स को अच्छे क्वालिटी में मेंटेन कर पाए। ठीक, उसका ऑक्सीडेशन आप क्या करते हो, प्रोलोंग करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेंसिडिटी का मतलब क्या है और रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट की जाती है। देयर आर सेवरल मेजर्स ऑल्सो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स हम रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, टिंड फूड कर सकते हैं। टिंड फूड यानी क्या, फूड स्टफ को टिन में पैक कर सकते हैं ताकि उनका सेल्फ लाइफ बढ़े, वे एयर के कांटेक्ट में ना आए और उनका ऑक्सीडेशन ना हो, इसका मतलब उनका रेंसिडिटी ना हो। तो आप उसको टिन में पैक कर सकते हो। बहुत सारे सब्सटेंसेस के अंदर जब पैक किया जाता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिलअप किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का क्या रोल होता है, एक तो वो आपके फूड के साथ किसी प्रकार का कोई रिएक्शन करता नहीं, दूसरा वो एयर को आपके फूड के कांटेक्ट में नहीं आने देता, जिसके कारण आपका फूड बहुत समय तक रेंसिड नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको रेंसिडिटी का मतलब समझा, एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब समझा, उसके एग्जाम्पल समझे, एंड डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स भी आपको पता चले होंगे जिससे हम लोग रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज प्लीज याद से लाइक तो बनता है, ठीक, और आप कमेंट भी करिए, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट मेंशन करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने किया है आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। ठीक, थैंक यू सो मच।